अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रजा खाकी। आज के ब्लॉग में आप सबका वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। और आज का ब्लॉग बड़ा स्पेशल ब्लॉग है क्योंकि आज मैं बनाने जा रहा हूं दाल, वो भी मूंग की, और वो भी बड़ी फरमाइश की है भाई ने कि आज मूंग की दाल आज आप बना के खिलाएं। तो आज हम मूंग की दाल बनाने जा रहे हैं, तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो जनाब, इस वक्त मैं आपको इंग्रेडिएंट्स दिखाता हूं, बहुत आसान है बनाना। इस वक्त जो है 2 टेबल स्पून ब्राउन प्याज है, ठीक है। ये है साबुत गरम मसाला, नमक हसबे जरूरत हसबे जायका, पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी, लहसुन अदरक का पेस्ट, हरा धनिया 1 गड्डी और हरी मिर्चें 5 से 6 अदद। तो जनाब, ये है मूंग की दाल, 1 प्याला है, बॉइल हुई भी है, तो हमने इसको बॉइल कर लिया था। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो जनाब, हमने कढ़ाई के अंदर 1/2 कप के बराबर जो है वो हमने तेल ले लिया है। तो जनाब, इस वक्त जो है साबुत गरम मसाला और ये लाल जो साबुत मिर्च है, ये अपने उसकी बात है कि अगर चूंकि मुझे पसंद है तो इसलिए मैंने डाली है इसको। तो जनाब, हम इसमें जो है ब्राउन प्याज जो है 2 टेबल स्पून जैसे मैंने आपको बताया था वो हम इसमें ऐड करेंगे। क्योंकि ये ब्राउन है तो हम 1 चम्मच जो है लहसुन अदरक यहाँ पे ऐड करेंगे। ब्राउन प्याज को हमने फौरन जो है डालने के फौरन बाद ही जो है, क्योंकि तेल हुआ हुआ था तो हमने लहसुन अदरक का फौरन पेस्ट डाला। तो अब हम इसको तकरीबन 1 से 1.5 मिनट भुनेंगे और उसके बाद इसमें दाल डालेंगे। अब इसमें हम जो है दाल वो ऐड कर रहे हैं। अब दाल को जो है हम थोड़ा सा भुनेंगे, फिर इसमें जो फर्दर मसाले हैं वो इसमें हम ऐड करेंगे। अब 1/2 टीस्पून जो है इसमें हम हल्दी का डालेंगे और लाल मिर्च पिसी हुई हसबे जरूरत हसबे जायका। अब इसको हम मिक्स करते हैं। नमक हसबे जरूरत हसबे जायका अपने हिसाब से आप डाल लें। हरा धनिया क्योंकि अब डलेगा। इस कंडीशन पे अब हम हरा धनिया और हरी मिर्चें डाल के इसको दम देंगे। ये देखें, इस वक्त डाल दिया है। अब हम इसको बिल्कुल स्लो आंच पे इसको हम दम। तो जनाब, इसको हमने दम से रखा था और अब हम हटा रहे हैं। क्या खुशबू आ रही है। 10 मिनट के बाद जब हमने ढकना खोला तो देखें कितनी जबरदस्त खुशबू आ रही है। तो ये हमारी जो मूंग की दाल है वो तैयार हो चुकी है और अब आप इसको रोटी से आप इसको खाएं, बेहतरीन है। और इंशाल्लाह ये कि आप इसको टेस्ट करके बताइएगा। तो जनाब, जैसा कि मैंने आपको ये रेसिपी मूंग की दाल की बताई और उम्मीद करता हूं कि ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी और इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ, नए व्लॉग के साथ। तो अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।